बीजेपी के पूर्व विधायक की कभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ कदमताल तो कभी वन मंत्री के साथ डिनर, सियासी समीकरण उलझा रही है। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा में अभी कुछ ही दिनों पहले उपचुनाव का शंखनाद ही होने वाला है, मगर इस बीच विजयपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में भाजपा के सीताराम कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चौहान के साथ कदमताल करते हुए एक वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं गुरुवार को कराहल में वन मंत्री रामनिवास रावत के साथ उनका डिनर करते हुए वीडियो सामने आया है। पूर्व विधायक की कांग्रेस नेताओं से ये मुलाकात जहां एक और भाजपा पार्टी में हलचल मचा रही है, तो वहीं कांग्रेस का प्रत्याशी चयन समीकरण भी बिगाड़ रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान की नजर बीजेपी के सीताराम पर भी है, क्योंकि विजयपुर विधानसभा एक आदिवासी बाहुल सीट है और सीताराम इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि सीताराम आदिवासी का साफ कहना है कि जिलाध्यक्ष अतुल चौहान से रास्ते में मुलाकात हो गई थी, जो केवल एक सामान्य मुलाकात थी। मैं तो बीजेपी पार्टी में ही हूं और रहूंगा। इसी के साथ वन मंत्री रामनिवास रावत भी पूर्व विधायक को मंच पर पूरा सम्मान दिलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई माला भी पहनाने आता है तो वह सबसे पहले पूर्व विधायक सीताराम के गले में माला पहनवाते हैं। वह तो सीताराम आदिवासी को पूर्व की जगह वर्तमान विधायक तक कहते हैं। इस समय वन मंत्री विजयपुर विधानसभा में पूरी तरह सक्रिय है, क्योंकि उन्हें एक बार फिर यहां से जीत दर्ज कराकर अपनी विजय पताका लहरानी है, जिसके लिए वह क्षेत्र में सौगातों पर सौगातें बांटे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी उस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को हराकर अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने की पूरी तैयारी में है, जिसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चुनाव की क्या स्थिति रहेगी? चुनाव की बहुत दमदार रहेगी। हमारा कांग्रेस आपके समाज के प्रत्याशी को उतारने वाली है मैदान? नहीं, भले ही तर जावे, पर हमारे आदिवासी नहीं बदलेगी। जिसका नमक पानी खा लेते हैं, नहीं कभी आदिवासी नहीं बदलेगा, क्यों? कांग्रेस है ही नहीं है, नहीं अब प्रदेश में कोई नेता ही नहीं रही हो कांग्रेस में। हमारे आदिवासी सब समझ रहे हैं, पहल की नाई नहीं है, दमदार आदिवासी है, बीजेपी में रहेगा ये, क्यों? तीन बारिया में टिकट दियो जनता पार्टी ने, तो हमें आदिवासी ने पूरा वोट दिया। अभी ये बताइए, क्या विजयपुर से क्या आपका टिकट नहीं हो सकता क्या बीजेपी से? आपके टिकट के कयास हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो देखो रामनिवास रावत से मिलेगा, पार्टी का कहना है। तो क्या आप देखो आपने मन बना लिया कि लड़ने का चुनाव है? चुनाव लड़ सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं लड़ेंगे। आपने मन नहीं बनाया? रामनिवास रावत, जो भी समस्या होगी आपकी, कोई कमी नहीं आएगी, जो भी आपकी बताइए, आपने काम करेगा कोई भी समस्या नहीं आएगी आपके लिए। क्षेत्र में बहुत दमदार मंत्री है, वो छह सात बार विधायक है, पूरा ज्ञान है, सीताराम जी का जब इस्तेमाल करना था तो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी से किया। लगातार तीन चुनाव उनको लड़ाए, जब उनको सीट चाहिए थी और लगातार आदिवासियों को उनका समर्थन चाहिए था, तो उस वक्त उन्होंने देखा भी आपने कि वो एक बार चुनाव भी जीते, दो बार दूसरा और भी लड़े। लेकिन उनका कल जो बयान था, निश्चित रूप से उनकी वो पीड़ा थी। भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में अचानक से रामनिवास रावत जी हमारी पार्टी को एक तरह से धोखा दे करके निकल गए। तो उनकी पार्टी में जब उन्होंने जगह घेर ली भारतीय जनता पार्टी में जा करके, तो निश्चित रूप से आज वो सीताराम जी और वो एक पूर्व विधायक हैं बाबूलाल मेवरा जी, उनका भी बयान देख रहा था मैं, कहीं ना कहीं ये उनकी आपसी पीड़ा है। और निश्चित रूप से ये तुरंत विजयपुर के अंदर बड़े नेताओं में और छोटे कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दे रहा है।